इन द प्रीवियस फोर स्टेप फोर पैराग्राफ टू केम टू नो दैट द राइटर वॉज जर्नी बाई ए ट्रेन एंड ही वॉज गिविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी अबाउट वाट ही हैड सीन ड्यूरिंग हिज जर्नी वाट वेर द सीन्स ऑन द प्लेटफॉर्म वाट वॉज द नेचुरल ब्यूटी ही ऑब्जर्व वाइल ट्रेवलिंग बाई ट्रेन इन दिस पैराग्राफ फाइव द राइटर टेल्स अस हाउ हिज रूटीन ऑफ टॉकिंग वॉट ही यूज टू डू वेन एवर द ट्रेन स्टॉप नाउ हिज रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपल वॉज इंटरप्टेड बाई सम रिफ्यूजी चिल्ड्रन द राइटर हियर इज मेंशनिंग अबाउट दोज यंग चिल्ड्रन हु इंटरप्टेड हिज कन्वर्सेशन विद द पीपल ही बिगिन्स द पैराग्राफ एट वन स्टेशन माय रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपल वॉज इंटरप्टेड लेखक कहता है एक स्टेशन पर जैसा कि वो रुकता था और लोगों से बात करता था लेकिन एक स्टेशन पर उसके बातचीत करने का जो क्रम था लोगों का वो प्रभावित होता है इंटरप्टेड माने बाधित होता है लिखता है एज आई अलाइटेड जैसे ही मैं अलाइटेड माने उतरा नीचे उतरा अलाइटेड माने क्या होगा केम डाउन ऑन द प्लेटफॉर्म ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी लिखता है कि जहां कहीं ट्रेन रुकती थी तो वहां लोगों से बात करता था तो एक स्टेशन पर जब लेखक रुका बातचीत करने के लिए तो ही वॉज इंटरप्टेड बाई ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी लिखता है गैदर्ड अराउंड मी मैंने उसके चारों ओर एकत्र हो जाता है ये ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन दे वर सेलिंग बास्केट ये बच्चे टोकरियां बेच रहे हैं हैंड वोवन हाथ से बनी हुई रीड बास्केट पतली पतली गड्डियों से रीड माने गंगुल भी होता है पतली पतली गड्डियों से बनी हुई टोकरियां जैसा कि आपने देखा है गांव में बनाते हैं आगे लिखा है सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न द बास्केट वेयर ऑफ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न साधारण ढंग से बनी हुई हाथ से बनी हुई टोकरियां वे बच्चे बेच रहे थे दे हेल्ड द बास्केट हाई और उन्होंने उन टोकरियों को बहुत ऊंचाई तक उठा रखा था अपने कंधे तक शाउटिंग वर्ड लेखक बताता है एज ही वॉज अ फार्मर ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट मैसेज दे वॉन्टेड टू गिव जो बच्चे हैं वो उसको क्या कहना चाहते हैं बताना चाहते हैं उनके शब्दों को वो समझ नहीं पाया था शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो मुझे पता नहीं बट कन्वेइंग माने होता है संप्रेषण करना देना लेकिन अच्छी तरह से द जेस्चर एंड एक्सप्रेशन दे वर सोइंग इट शोड वॉट दे वॉन्टेड जो हाव भाव वो दिखा रहे थे या जैसा भी एक्सप्रेशन वो दे रहे थे उन एक्सप्रेशन से कन्वेइंग माने प्रेषित कर रहे थे अनमिस्टेकेबली माने बिना गलती के देयर डिजायर अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे थे मीन्स दे वॉन्टेड टू सेल देयर बास्केट टू द राइटर हु वॉज अ फॉरनर जो कि एक विदेशी था तो ये पैराग्राफ पांच में है क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ वॉज हिज रूटीन ऑफ टॉकिंग इंटरप्टेड तो आप लिख देंगे कि हिज रूटीन ऑफ टॉकिंग वॉज इंटरप्टेड बाई अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन छोटे छोटे बच्चे थे जैसे ही उतरा उनको आके घेर लेते हैं फिर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वर दे सेलिंग क्या बेच रहे थे तो यहां से आंसर आएगा दे वर सेलिंग हैंड वुमेन रीड बास्केट वो टोकरियां बेच रहे थे तो कैसे पता चला ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ डिड द राइटर नो व्हाट दे वांटेड तो यहां लिखा है नीचे कि बाय देयर एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली बिकॉज लैंग्वेज वॉज अनेबल लैंग्वेज द राइटर वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज बट थ्रू देयर जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस ही कुड नो वो जान सका कि व्हाट दे वांटेड तीन क्वेश्चन इसमें से आएंगे आसान सा पैसेज है आसानी से इसको समझ सकते हैं जैसा कि पढ़ाया है जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं एक बार बता देते हैं इंटरप्टेड माने होता है बाधित होना एलिटेड माने उतरा कन्वेइंग माने प्रेषित करना
और डिजायर्स आप जानते हैं। तो ये पैराग्राफ 5 है, इसको आप पढ़िएगा। थैंक यू।